क्या सभी का सी आंसर आ गया? सी आंसर आना चाहिए सभी का। यस और बाकी सब किसी को प्रॉब्लम है तो अभी बता दो, हम और डिटेल में इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ यदि आपका हो गया तो। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वैल्यू ऑफ वन अपॉन वन माइनस आयोटा माइनस वन अपॉन वन प्लस आयोटा इज क्या होगा? ए बी सी डी ऑप्शन। ऑप्शन को देख के ऑप्शन अभी हम समझ लेंगे। अभी आप क्या करो, सबसे पहले उसमें एलसीएम लो और सॉल्व करो, तो फाइनल आंसर बताओ। इसको ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा? इसको हम ए प्लस आयोटा बी के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं? हेलो सर, हेलो। सर प्योरली इमेजिनरी आ रहा है। हाँ देखो, हम सॉल्व करके देखते हैं इसको। तो वन अपॉन वन माइनस आयोटा माइनस वन अपॉन वन प्लस आयोटा, इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो नीचे इन दोनों का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, यहाँ वन प्लस आयोटा आएगा, बीच में माइनस, और यहाँ क्या आएगा? वन माइनस आयोटा। तो यहाँ वन प्लस आयोटा माइनस वन प्लस आयोटा, एंड नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो वन स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। वन से वन कैंसिल, न्यूमरेटर में हमें मिलेगा टू आयोटा, एंड नीचे क्या मिलेगा? वन प्लस वन, सो टू आयोटा अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, क्या आ गया? आयोटा। अब देख रहे हैं इसमें क्या है, ओनली आयोटा। इसमें को जब हम ए प्लस आयोटा बी से यदि हम कंपेयर करते हैं तो कंपेरिजन पर हमें क्या मिलेगा? ए का वैल्यू तो आ जाएगा जीरो एंड बी का वैल्यू आ जाएगा वन, बिकॉज यहाँ पर कुछ भी रियल वैल्यू तो है नहीं, इसलिए रियल पार्ट जब भी जीरो होता है तो उस चीज को क्या बोला जाता है? प्योरली इमेजिनरी। ये हमारा आंसर होगा। तो याद भी रख सकते हो, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट तो और यहाँ से ऐसे करके बोलते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो होता है तो क्या होता है? उसको बोलते हैं प्योरली इमेजिनरी। एंड जब इन सारे टर्म्स को हम लिख लेते हैं प्योरली रेशनल, प्योरली रेशनल और प्योरली रियल,
इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। प्योरली रियल मतलब क्या होता है, जब हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या होता है, जीरो, और प्योरली रेशनल मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ये तो जीरो होना ही चाहिए, साथ में जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट ऑफ जेड वो बिलोंग करना चाहिए किसी रेशनल नंबर को, मतलब वो एक रेशनल नंबर होना चाहिए, तब हम उसको प्योरली रेशनल बोलते हैं। प्योरली रियल इमेजनरी पार्ट जीरो कर दो, प्योरली रेशनल इमेजनरी पार्ट जीरो, साथ में रियल पार्ट ऑफ जेड रेशनल होना चाहिए, एंड प्योरली इमेजनरी मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड मस्ट बी इज इक्वल टू जीरो। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है सॉल्यूशन में? नो सर। नो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें बोला है बट फाइंड करो कॉन्जुगेट क्या होगा इसका, कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 -1, प्योरली इमेजिनरी, नन ऑफ दीज। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, मतलब ए प्लस आयोटा बी के टर्म्स में इसको लिखना होगा, देन फिर हमें पता है कॉन्जुगेट लेते हैं तो आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले ए प्लस आयोटा बी के टर्म्स में इसको लिखो, सर 1 आएगा। हेलो, आ रही है हाँ सर, सर 1 आएगा आंसर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू आयोटा, और नीचे तो हमारे पास है 3 प्लस 4 आयोटा, ऊपर क्या मिला 4 आयोटा स्क्वायर -1 हो गया और +4 आयोटा हो गया, और नीचे क्या है, हाँ अपॉन में है हमारे पास 3 प्लस 4 आयोटा, ऊपर क्या मिला
ऊपर भी 3 + 4 iota बन गया और नीचे भी 3 + 4 iota। ये तो अच्छा हो गया, ऊपर नीचे जब भी सेम चीज होती है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और कैंसिल हो जाएंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 1। इसका मतलब क्या है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका वैल्यू ही क्या है, 1। अब जेड 1 है तो जेड बार क्या होगा, 1 बार। अब इसमें हम आयोटा का जो साइन होता है वो चेंज करते हैं, पर आयोटा है ही नहीं, तो इसलिए आंसर कितना आ जाएगा, +1। क्लियर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट। तो हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ ये थोड़ा अजीब लग रहा है, इसका पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसा कभी कभी लिखा मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, तो जब भी ऐसा आपको लिखा हुआ मिलता है कि एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट, ये हम कहाँ पर बात कर रहे हैं, ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हम जानते हैं एक्स एंड कॉमा वाई का मीनिंग क्या है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या मीनिंग होता है, इसको हम लिखते हैं x प्लस आयोटा y। मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट होता है, दिस फर्स्ट पार्ट इज द रियल पार्ट ऑफ z, एंड जो सेकंड है कॉमा के बाद जो y लिखा है, ये क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अभी जो हमें यहाँ क्वेश्चन है x कॉमा y होल स्क्वायर, इसका मीनिंग है क्या पूछा जा रहा है, x प्लस आयोटा वाई है, इसका यदि हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा, वो हमें आंसर बताना है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। बी वाला आयोटा का के साथ वाला टर्म है 2xy और बिना आयोटा वाला है x2 - y2। इसको अगेन हम जैसा क्वेश्चन था उस फॉर्म में लिखेंगे, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, बिना आयोटा वाला टर्म रियल पार्ट इतना एंड इमेजिनरी पार्ट इतना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर, कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन को a प्लस आयोटा बी के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर कॉन्जुगेट ले लेंगे।
सर बी। बी आंसर। हाँ बी आंसर सही है। और किसी का आया भी आंसर? हाँ सर बी ही है। हेलो। अच्छा हाँ सही है, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, बताइए इसका आंसर क्या हुआ। जेड दिया है और 1/z निकालना है। सर बी आंसर है। क्यों नहीं जा रही यार? आंसर सर ए। ए। सही है, ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, इसको सॉल्व कीजिए। विच वन इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें से कौन कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करेगा? ब्रैकेट का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, उसी तरह सॉल्व करना है।
किसी का आंसर आया? अच्छा, समझ में आया किस तरह सॉल्व करना है? ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। एक एक ऑप्शन हम लोग सॉल्व करते हैं। आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 5, इसको लिखने के लिए हम क्या करेंगे? रियल पार्ट की जगह आएगा आयोटा रेस्ट पावर 4 प्लस आयोटा इंटू इमेजनरी पार्ट, क्या आएगा? आयोटा रेस्ट पावर 5। तो आयोटा रेस्ट पावर 4 रहेगा और ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर आयोटा रेस्ट पावर 6, ये कितना होता है 1, और आयोटा रेस्ट टू पावर 6 होता है -1। तो ए ऑप्शन से हमें आंसर क्या मिला? ए ऑप्शन ने हमें दिया 0। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, बी। बी में क्या है? आयोटा रेस्ट टू पावर 8, आयोटा रेस्ट टू पावर 12। तो ये आएगा आयोटा रेस्ट टू पावर 8 प्लस आयोटा इंटू आयोटा रेस्ट टू पावर 12। तो आयोटा रेस्ट टू पावर जो 8 है, इसका वैल्यू कितना होता है? 1 प्लस आयोटा रेस्ट टू पावर 12 है, दिस इज ऑल्सो 1। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? 1 प्लस आयोटा। हाँ, ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। बाकी के टू ऑप्शन है वो भी हम चेक करते हैं। जब हम सी ऑप्शन चेक करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -4 एंड 4, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? स्क्वायर रूट ऑफ -4 प्लस 4 आयोटा, इसको इस तरह से लिखा जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 को क्या लिख सकते हैं? रूट 4 इंटू रूट ऑफ -1 प्लस 4 आयोटा। रूट 4 का वैल्यू 2 होता है और रूट -1 आयोटा होता है, और ये 4 आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा? 6 आयोटा। तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट दिस इज प्योरली इमेजिनरी, क्योंकि रियल पार्ट क्या है यहाँ पर? 0। लास्ट ऑप्शन जो बचा हमारे पास, डी। डी को यदि देखते हैं तो क्या होगा? लॉग 2 एंड लॉग ऑफ -1। तो यहाँ पर तो देखो, ये जो चीज है लॉग ऑफ -1, लॉग के अंदर, अभी हम लॉग पढ़ेंगे फ्यूचर में, लॉग के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। ये जो -1 लिखा है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। लॉग को हमेशा पॉजिटिव चीजें ही पसंद है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि यहां से हमें रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों ही मिले। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई परेशानी? ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताओ तो इसका आंसर क्या होगा?
इसी का आंसर आया। सर बी। हाँ सही है, प्योरली रियल आंसर आएगा। सिंपल एलसीएम लेना है एंड सॉल्व करना है तो प्योरली रियल आंसर हमें मिल जाएगा। सबका आंसर आ गया बी। ठीक है, तो हम आज यहाँ तक ही करेंगे, कल क्या क्या सीखेंगे वो मैं बताता हूँ। कल हम सीखेंगे एक स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना, स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट किया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में। यहाँ पर रियल नंबर की तरह स्क्वायर रूट नहीं होता, अलग मेथड होता है। सेकंड हम सीखेंगे एक चीज, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टू टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और यदि हम स्कूल एग्जाम की बात करें तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो भी कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का। इस टॉपिक से 4 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और यदि एमसीक्यू आएंगे आपके एग्जाम में तो फिर इससे भी आने का बहुत चांस है, 1 मार्क का क्वेश्चन। और यदि हम जेई में बात करें तो जेई में तो यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इन टू टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।